इसकी पुप्पो को किसने बद्दुआ दी क्या क्या? कि पुप्पा मर जाए मोहल्ले के 7-8 आदमी मर गए Hey guys, अब मैं रिया करने वाली हूँ ऑन डैंक एरियल मीम्स वाह मेरे मौज कर दी बाय SB मीम. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मेरा बुराली डैंक को वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. हर बात के दो मतलब होते हैं सर. अब एक लफ्ज है, आप उसको आप ले लें अपने तरीके से, मैं तो सही कह रहा हूँ. अब एक लफ्ज है, जान ले लो मेरी, उसी का है, जान ले लो मेरी. समझ रहे हो? हम एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बन गया. सिद्धू भाई? नहीं नहीं, इमरान खान. एक बार क्या होता है, चंगू और मंगू दो बड़ा नजदीकी दोस्त. ठीक है, चंगू का मुर्गी जाके मंगू के घर पे अंडा दे देता है. अभी अंडा किसका है? चंगू. मुर्गी का अंडा है यार. मुर्गी के मालिक का. हेलो भाई लोग, स्वागत है हमारे न्यू एपिसोड में. जैसे कि आपको पता है हमारा वीडियो सिर्फ हंसाने के लिए बनाया गया है, आप इसे बिल्कुल भी सीरियस मत लेना. तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट. जनाब आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुदखाई में कश्मीर चाहिए. क्या बोला तूने? मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए. क्योंकि हम जैसे गरीबों के लिए तो यही होता है कि साल में एक आध बार, पूरी जिंदगी में एक आध बार विश्व सुंदरी को करीब से देखने का मौका मिलता है. बात तो सही है. गरीब ये 12 करोड़ का टैक्स देता है एक साल का, और ये गरीब. टैक्स देना चाहिए भाई, देश की तरक्की के लिए जरूरी है. पर आपने 3 कम बताया, 15 दिया. मैं ये हैंकी बेच रही हूँ, हैंकी खरीदो. अच्छा ये बता दो, गुस्से में क्यों बैठे हो? टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं. मेरे पास टाइम कम है, मेरा टाइम जा रहा है. जल्दी 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 भाई ले ले. कितने का है? 50 रुपीज. अबे सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम्हारी और सेक्सी गर्लफ्रेंड बनेगी, मेरी दुआ है तुम्हारे लिए. मालू जी, अब तो आपके पास बहुत पैसा आ रहा होगा, आपकी वीडियो सारी वायरल में जा रही है. नहीं. हाँ वायरल में तो जा रही है. तो लाइक सब देखो, इतना पैसा आता है तो सब लोग सोचते हैं कि कुछ खरीदेंगे. क्या आप क्या खरीदोगे सबसे पहले? मैं तो सबसे पहले मीडिया वालों की जुबान खरीदूंगा. क्योंकि बहुत सस्ती हो गई है, कोई भी नेता इनको पैसे दे के खरीद लेता है. बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. आप जो मीडिया के बारे में इतना सारा उल्टा सीधा बोले जाते, बिना सोचे समझे, कभी सोचा एक मुकदमा मार देंगे तो आपकी पूरी जिंदगी जेल में जाएगी? बताओ, इतनी सारी परेशानी तुमसे झेली जाएंगी? एक फावड़ा मार दिया ना, यहीं फैल जाएगी. अच्छा शो इतनी जल्दी खत्म? रोज तुम्हारे शेर से अगर खत्म हो ताकि हमारा शेर भी सो जाए. गाने के लिरिक्स कैप्शन में डाल के कोई राइटर नहीं बनता. अच्छा ओके, गाने के लिरिक्स कैप्शन में डाल के कोई राइटर नहीं बनता. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल. रास्ते पे लोगों को रुका के कंटेंट नहीं बनता. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी. मुझ पर किसी की निगाह नहीं ठहरती. अच्छा मेरा साथी ऐसा, मुझे किसी की नजर ही नहीं लगती. नन्हे कफाइये की ट्रेन में आपका हाफ टिकट लगे, इस चक्कर में चंकी सर ने आधार कार्ड पे आपकी उम्र 14 साल लिखवाई. पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ी है, पता है एक्ट्रेस बनने से पहले इंजीनियर थी. अरे बाबा, ये किस लाइक रियली? नहीं लाइक रियली. नो. लाइक तो मेरे को बताओ, ये मुंबई में मेट्रो का काम कभी खत्म होएगा?
इनको क्या पता? इंजीनियर नहीं बताएगा तो कौन बताएगा यार? समोसे पे याद आया, मैंने एक समोसे वाले से कहा, मैंने कहा आपके समोसे में से लड़की का बाल निकला है, तो क्या कह रहा है, 30 रुपए में पूरी लड़की निकलेगी। ये कौन सा सीन बनाया है? एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, अगर कोई लड़की आपको प्रपोज कर दे सामने से, तो आप क्या रिएक्शन करोगे? जवाब हाँ दोगे या ना दोगे उसको? देखो हम भी बहुत एटीट्यूड वाले बंदे हैं। अरे बाबा, ऐसे कैसे बता सकते हैं? पहले आप ये बताओ लड़की होगी कैसी? बात सही है। अरे बाप, होगी कैसी का क्या मतलब? मेरी तरह होगी खूबसूरत? तब तो हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? घर जाके आईने में खुद देख लेना। अब बताइए प्रॉब्लम क्या है? बेटा ये मेरी बहू है। अच्छा, ये हर सास की प्रॉब्लम है। सास की प्रॉब्लम बहू, बहू की प्रॉब्लम सास, दोनों में से किसको मारूं? ये क्या बोला तूने? बेटा पिछले 6 महीने से इसको ले लेके घूम रही हूँ, उसको बच्चा नहीं हो रहा है बेटा। अभी बदत है भाई, अभी बदत। कैसे होगा, 6 महीने से तो आप लेके घूम रही है। तो सुना दीजिए ना प्लीज। तो ठीक है, लीजिए। आप कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज में हैं। ठीक है। जहाज उड़ रहा है एकदम फुल स्पीड में, अचानक कुछ होता है, जहाज क्रैश होने जा रहा है, आपको अपने आप को बचाना है, आप कैसे बचाएंगे? कैसे? कल्पना करना बंद कर दीजिए। गांव छाप लड़की के साथ नहीं बैठूंगी। गांव छाप किसको बोली बे? साली सड़क छाप, बढ़िया ही मॉडल, तेरे से अच्छी फोटो ना अगरबत्ती के पैकेट पे होती है। नहीं नहीं मैडम, वो पैकेट फिर अगरबत्ती का नहीं होगा। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। मैंने पूछा हाउ आर यू? फाइन। अरे यार तुम लोग इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार। हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? एक बात बताइए, आपको पता नहीं पटाखे बैन है फिर भी आप पटाखे बेच रहे हो? मैम यही सीजन है करने का, कमाने का, गरीब आदमी को पेट पालने के लिए करना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इतने में कितना कमा लोगे? मैम इतने ही थोड़ा है, बाकी दुकानों पे सप्लाई करके आ गया हूँ मैं। क्या बात है सर, क्या बात है। तो कितना कमा लिया? मैम अभी नहीं कमाया लेकिन कमा लूंगा। कैसे? मेरा भाई पुलिस में है ना, थोड़ी देर बाद छापा मार देगा सब पे। सुन, अगर मैं बोल रहा हूँ ना बच्चा करने के लिए, तो बच्चा करना है, ऋषि की बहन हमने लानी है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नीचे देखो। हेलो भाई लोग, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और ऐसे ही मीम्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय। ओके, तो ये मीम एक्चुअली मैं इनके मीम्स पर रिएक्ट कर रही हूँ बहुत टाइम से, तो ये मीम थोड़ी सी पुरानी है, दिसंबर महीने की है, तो अभी के मीम्स बहुत ही खतरनाक अपलोड कर रहे हैं एसबी मीम। उससे कंपैरिजन जो पीछे वाले मीम थे वो अच्छे थे, मतलब लाइक रिएक्ट करने लायक, क्योंकि यूट्यूब के पॉलिसीज कभी भी चेंज हो सकते हैं, ध्यान में रखना। एंड बहुत से लोगों के चैनल भी चले गए इस चक्कर में, तो थोड़ा सा सोबर एंड वो मिक्सचर अच्छे से रखना। हाउ आर यू मतलब तुम कौन हो देवा? कितना बड़ा कंफ्यूजन पाल रखा है इस आदमी ने, बोला तुम लोगों का इंग्लिश में प्रॉब्लम है। एंड दिस इज बिजनेस, ये फटाके सप्लाई करेगा, इसका भाई पुलिस में अब भी आके फिर सब। ओह गॉड, फैमिली बिजनेस चला के रखा है। एंड कपिल शर्मा शो के बहुत सारे क्लिप्स थे एंड सारे के सारे मजेदार थे, स्टार्टिंग विद बरकत उज़्मी। देवा बरकत उज़्मी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप बताओ? दे आर बरकत उज़्मी, डिसेंट बात बोल के, बहुत खतरनाक बात बोल के चले जा सकते हैं। ठग लाइफ तो एक से बढ़कर एक थे, नो डाउट। तो ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निया ले, बाय।